कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप उसको सबसे पहले देख सकें। जय शंकर की, हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को एमके बाबा का प्यार भरा नमस्कार। आज है 10 जुलाई 2024 और मैं अब कटरा में पहुंच गया हूं। रात को मैं यहां पे निखानता में रुका हुआ था और आज मैं यात्रा माता वैष्णो देवी की यात्रा पे अब निकल चुका हूं और आप भी मेरे साथ इस यात्रा में बने रहेंगे और आप इसको वीडियो के साथ पूरा देखते रहे। अब मैं जिस यात्रा निवास में रुका था उसको मैं दिखाता हूँ। ये बस स्टैंड है जम्मू का लोकल जो यहाँ का होता है। पार्किंग कहाँ है गाड़ी वालों को? और ये जो देख रहे हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स, इसी में मैं रुका हुआ था और अब आगे चलते हैं। ये जम्मू के लिए बसें खड़ी हुई हैं यहाँ की, जम्मू और कोई और भी उधमपुर वगैरह आसपास के जाने के लिए यहाँ पे ये लोकल यहाँ की बसें हैं। और ये जो सामने है ये यात्रा का रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ ऑफिस है। लोग बाग यहाँ से देख रहे हैं, ये करा करा के रजिस्ट्रेशन निकल रहे हैं। गले में वो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह डाला हुआ है, आजकल यही आइडेंटिटी कार्ड बना के दे देते हैं। ये पंचीकरण कक्ष देख रहे हैं, जो सामने जो लाइन जा रही है ये पंचीकरण कराने के लिए जा रही है, यात्रा पंचीकरण कक्ष। और आगे जो देख रहे हैं मेन चौराहा है, ये यहीं से रास्ता जाता है माता के लिए। चलते हैं और आगे चल के हम, यही रास्ता है जो माता के लिए जा रहा है। अब चलते हैं आगे जाके वीडियो बनाएंगे। ये देखिए ऐसा पहाड़ों का नज़ारा है और हमें सबसे टॉप पे ऊपर जाना है। ये देख रहे हैं सबसे ऊपर टॉप पे और अभी भीड़ काफ़ी है श्रद्धालुओं की माता के। सभी श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ से सभी माता की चुनरी यहाँ बांध बांध के चले गए हैं। और ये देखिए आगे से ही अब लाइन लग चुकी है जाने के लिए, काफ़ी भीड़ है।
इससे लगता है काफ़ी भीड़ है। चलिए हम भी जाके लाइन में लगते हैं और देखते हैं हमें कितनी देर में अंदर जाना होगा। देखिए लाइन लगी हुई है और यहीं से भी हम भी लाइन में लग जाते हैं, देखते हैं आस्ते आस्ते कितना टाइम लगेगा हमें और आगे जाके दिखाते हैं। लाइन से हम जा रहे हैं और अब शायद गेट के पास पहुंचने वाले हैं और उसके बाद अंदर से चेकिंग होके अंदर मेन रास्ते पे चले जाएंगे यात्रा के पे। हम भी काफ़ी पीछे से लगे आ रहे हैं। वहाँ से मेन एंट्री है, चेकिंग वगैरह हो रही है, उसके बाद यहाँ से मेन रास्ता अंदर जाके चालू हो जाएगा यात्रा का। भीड़ काफ़ी लगी हुई है श्रद्धालुओं की, जय माता की। अब आगे जाके देखते हैं चेकिंग करा के उसके बाद आगे जब यात्रा चालू करेंगे। ये चेकिंग से होके हम निकल चुके हैं और अब हम मेन रास्ते पे आ गए हैं यात्रा के पे और आस्ते आस्ते अपनी यात्रा चालू रखेंगे। जय माता की। चलो काका चलो। अरे रास्ता बहुत लंबा है काका के बेटे, निकल जाओ। जय माता की, जय माता की। ये मेन रास्ते पे हम आगे बाजार से होते हुए जाएंगे। अब अब चलते हैं। जय माता की। अब मैं ये बाणगंगा पहुंच गया हूं और ये माता के भक्त बाणगंगा में स्नान कर रहे हैं, कुछ वैसे ही हाथ मुँह धो रहे हैं, कुछ इसका पल्ली साइड से भी रास्ता था। यहाँ पे भक्त लोग नहाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहा लिए हैं। और ये कपड़े धर्मशाला प्राचीन
एक ही है दोनों, एक ही है दोनों। जेंट्स में आते हैं दिखाने का, दिखाने का आया मेरे पास। जेंट्स में आते हैं अरे वो रहा सामने चलेंगे ऊपर चलेंगे यहाँ से। आप मेरे पीछे फिर देख ले बाढ़ गंगा, बहुत से लोग नहा रहे हैं। ये बाढ़ गंगा है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब हम ये चढ़ाई चढ़ के थोड़ा सा आगे हैं और यहाँ पे थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए रुके हैं और अब ये पहला ही बैंड है यहाँ से मुड़ा हुआ है और बैंड से हम फिर ऊपर जाएंगे। और ये एक मंदिर पड़ गया है हमें माता का, बैंड भैया ऐसे आइए सीधे चढ़ाई के बैंड है यहाँ पे। हम भी स्लो स्लो इस चढ़ाई को पूरा करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें जो समय लगेगा वो चढ़ाई में ही लगेगा, उतरने में नहीं लगेगा। ये दोनों साइड दुकाने हैं खाने जूस नाश्ता वास्ता करने के लिए। ये मंदिर आ गया, एक बहुत बड़ा मंदिर है देखिए। सरस्वती माता भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं भक्त माता के भक्तों को। मेन मंदिर ऐसा है माता का, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। माता अंदर विराजमान है मंदिर में और माता के दो शेर विराजमान है यहाँ। और ये पवन पुत्र हनुमान जी, चलते हैं जो भी आगे आएगा उसे वीडियो शूट करेंगे। जय माता की। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ था पीछे
माता की चरण पादिका। चलते हैं देखते हैं, थोड़ा दूरी लिखा हुआ था, देखते हैं कितना दूर है। ये आ गया प्रथम दर्शन माता जी श्री चरण पादिका। ये नंदी बाबा भी रास्ते में आ गए हैं। जय माता की। आगे देख के बनाएंगे वीडियो। ये ऊपर टॉप पे कैंटीन के वहां से फोटो खींच रहे, नीचे का नजारा ऐसे लग रहा है। सामने ऐसा नज़ारा लग रहा है जम्मू का, कटरा माता का। जय माता की। अभी हम अधिग्वारी भी नहीं पहुंचे हैं और उससे पहले ही है ना मौसम बहुत खराब हो गया है। ये देखिए ऊपर बादल धुंध आ गई है, नीचे बारिश हल्की हल्की सी हुई थी और मौसम खराब हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया मौसम, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया मौसम, बहुत ठंडा होता जा रहा है, बारिश की संभावना लग गई है। और अब हम अध कुमारी के रास्ते की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहीं से अध कुमारी का रास्ता जो कि बैटरी वाहन चलते हैं वहीं से होके जाएंगे। चलो पता करते हैं आगे चल के। ये जो घूमने वाले घूम के जो रोड जा रहा है ये अध कुमारी को डायरेक्ट जा रहा है और जो हम जाएंगे सीधा जाएंगे जो कि बैटरी के लिए जा रहा है, बैटरी के लिए जा रहा है घूम के अध कुमारी से। चलते हैं बैटरी से बड़े मार्ग की तरफ भवन के लिए। जय माता की। शायद देखते हैं किधर की तरफ निकले, पूछते हैं।
ये रास्ता बैटरी वाली की तरफ से जाएगा। हाँ यही रास्ता बैटरी की तरफ से जाएगा, नया रास्ता जो बनाया हुआ है। इधर से